नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट राइटर प्रोग्राम डैट डिस्प्ले थ्री बटन ऑन द फॉर्म ऐसा प्रोग्राम लिखो जो फॉर्म के ऊपर तीन बटनों को डिस्प्ले करे विद रेड ग्रीन एंड ब्लू कैप्शन और उन बटनों के ऊपर कैप्शन का मतलब है कि जो कुछ हमें नज़र आ रहा होता है यानी कि यूज़र को नज़र आ रहा होता है बटन के ऊपर जैसे बटन के ऊपर लिखा होता है सबमिट लॉग इन लॉग आउट साइन इन साइन आउट इस तरह जो बटन के ऊपर शो हो रहा था उसको कहते हैं कैप्शन दी कलर ऑफ the फॉर्म शुड चेंज अकॉर्डिंग टू दी बटन क्लिक तो कह रहा है फॉर्म के ऊपर जो हमने बटन लगाया हैं उसका कलर चेंज हो जाए क्या कलर चेंज हो जिस बटन पे हम क्लिक करें उसी कलर का वो फॉर्म हो जाए जैसे अगर हम रेड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म का कलर रेड हो जाए ग्रीन पे क्लिक करें तो ग्रीन कलर हो जाए बिलू पर क्लिक करें तो बिलू हो जाए आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह एक फार्म विजुअल बेसिक का जो भी प्रोग्राम शुरू होता है वो एक फॉर्म के ऊपर ही होता है तो इधर आपको मुखलिफ़ चीज़ें नज़र आएंगी यानी कि फॉर्म को फॉर्म के ऊपर इस तरह कह रहा है कि आप तीन बटन लगाओ तीन बटन लगा के इसके ऊपर एक ऊपर लिखो रेड एक के ऊपर लिखो ग्रीन एक पे ब्लू तीन बटन लगाओ तीनों के नाम ऐसे रख दो कैप्शन का मतलब उसके नाम जो शो हो रहे हों वो पीछे वाले नहीं पीछे कोडिंग वाले नहीं उसकी आइडेंटिटी उसके आईडी कार्ड वाले नाम नहीं बल्कि जो शो हो रहे हैं वो रेड ग्रीन ब्लू तो इस तरह तीन नाम रख दो तो जैसे हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो इस फॉर्म का कलर रेड हो जाए ग्रीन के ऊपर क्लिक करें तो ग्रीन हो जाए ब्लू के ऊपर क्लिक करें तो ब्लू हो जाए अभी तक हमने जितनी कोडिंग की है वो एक बटन के ऊपर थी यानी कि एक क्लिक करने पे तो मैंने जब पहली वीडियो में बताना स्टार्ट किया था कि जब भी हमने स्टार्ट करना है तो आपको तीन चीजें तो इस तरह हर दफा मिलेंगी प्राइवेट सब और नीचे एंड सब ऐसे जहां भी कोडिंग खत्म होगी ठीक है यह चीज तो आपको कॉमन मिलेगी और यहां आपको कमांड कमांड का मतलब है बटन के लिए बटन वन यानी कि इस बटन के लिए क्योंकि जैसे ये ऑटोमेटिकली नाम रखता जाता है जो विजुअल बेसिक है ऑटोमेटिकली जितने हम बटन लगाते जाएंगे उतने नाम रखता जाएगा पहले हम एक बटन लगाएंगे तो वो उसका नाम रख देगा कमांड वन अगर हम दूसरा बटन लगाएंगे तो उसका नाम रख देगा कमांड टू तीसरा बटन लगाएंगे तो कमांड इस तरह ये अब हम पे डिपेंड है तो हम बोलना चाहेंगे अगर फर्ज करें ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसके ऊपर सौ से ज़्यादा बटन लगे हैं तो हम कैसे भी याद रखें कि सत्तर नंबर बटन कौन सा है साठ नंबर बटन कौन सा है तो फिर प्रोग्रामर क्या करते हैं इनके नाम ईजीली रख लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये मैंने रेड के लिए है पहला बटन तो मैं इधर लिख सकता हूँ रेड स्लैश बटन इस तरह अपनी आसानी के लिए क्योंकि ये ऑटोमेटिक रख देता है तो भी हम छोटे लेवल का प्रोग्राम है इतना ज़्यादा हैवी नहीं है तीन बटन लगे हैं तो हम इसको इजीली रिकोगनाइज़ कर सकते हैं कि ये बटन वन ये है टू है थ्री है तो कमांड वन के ऊपर क्या हो क्लिक हो क्लिक को यानी कमांड वन के ऊपर क्लिक का बटन तो कोडिंग क्या हो उसके अंदर कोडिंग इस तरह है कि वो क्या चाहता है कहता है फॉर्म का कलर चेंज हो जाए जै, जैसा भी बटन दबाएं तो हमें पता है कमांड वन जो है वो रेड के लिए है तो हम क्या करेंगे रेड कलर इसके अंदर लिख देंगे हम कहेंगे फॉर्म वन हाँ ये भी सुन ले फॉर्म वन का मतलब क्या है कि जो भी हम एक दफ़ा पहली दफ़ा कोई भी बटन लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली एक फॉर्म लोड हो जाता है पहले उसको फॉर्म वन कह देते हैं हम नेम चेंज भी कर सकते हैं उसका कोई मसला चूंकि पहला फॉर्म है तो पहला नाम, नाम आ जाएगा अगर हमने एक बटन लगाया तो कमांड वन कह देगा दो बटन लगाएंगे कमांड टू कह देगा तीन बटन लगाएंगे उसको कमांड थ्री कह देगा इस तरह हम पहला फॉर्म लगाएंगे तो उसको फॉर्म वन कह देगा दूसरा फॉर्म लगाएंगे फॉर्म टू कह देगा तीसरा फॉर्म लगाएंगे फॉर्म थ्री कह देगा इसी तरह अगर हमने टेक्स्ट बॉक्स एक लगाया तो उसको टेक्स्ट वन कह देगा टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स वन अगर हम दो टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे दूसरे को टैक्स दे तो टू का नाम दे देगा तीन टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे तो तीसरे को टैक्स थ्री का नाम दे देगा यानी कि ऑटोमेटिकली वो इस तरह नंबरिंग के अंदर काउंटिंग के अंदर नंबर उसके नेम जनरेट करता रहता है वो बाद में हम चेंज कर सकते हैं तो फॉर्म वन क्या करो फॉर्म फार्मेट बैक कलर वो रख दो वी बी डेट क्योंकि हमें पता है कमांड वन वो रेड वाला है तो रेड कर दो उसको बस इतना सा कोड है तो ये आप इधर लिख दो इसी तरह जब हमने इस बटन के ऊपर कोडिंग करनी है ये कौन सा है ग्रीन वाला मैं इसको दोबारा इधर रख देता हूँ वाजे नजर आ जाए रेड ग्रीन ये इसके ऊपर लिखे हुए हैं ये नीचे नहीं है उस ऊपर लिखे हुए वो लाइने मैंने लगा दी थी इसलिए वाजे नहीं नज़र हो रहा तो दूसरी दफ़ा जब आप लिखेंगे तो वो जब दूसरे बटन के ऊपर आप पहले ये था कि आपने इस पर डबल क्लिक किया तो इसकी कोडिंग वाली विंडो ओपन हो गई प्राइवेट यानी कि जब मैंने बताया था प्राइवेट का क्या मतलब है ये सिर्फ इस बटन के लिए एक्सेसिबल है ये coding. ये कोडिंग ऐसा नहीं है कि इस बटन को दबाओ तो ये कोडिंग इसके अंदर नहीं, नहीं। प्राइवेट का मतलब है कि जिस इसके आप डबल क्लिक करोगे तो इसकी कोडिंग ओपन हो जाएगी अब हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्राइवेट कोडिंग ओपन हो जाएगी प्राइवेट इस तरह तो आ जाएगा प्राइवेट सब तो क्योंकि दूसरा बटन है उसने ऑटोमेटिकली इसका नाम रख दिया है कमांड टू तो इसके ऊपर क्लिक का इवेंट चलेगा तो इसमें हमने क्या कराना है इस बटन के अंदर ग्रीन कलर करवाना है तो वही चीज आएगी फॉर्म ए की या बी फार्म वन डॉट बैक कलर लिख दो इसका इसको टू ये बीबी जरूर लिखना होता है इसको कलर देने के लिए इसका अपना सन्टेक्स है ये तो चूंकि ग्रीन है तो हम इसको लिख देंगे ग्रीन तो उधर आ जाएगा एंड सब क्योंकि और कुछ नहीं कराना तो ऐसा ही है लॉजिक सामान्य आपने तो हमने करवाना क्या है इसी तरह जब आप तीसरे बटन को क्लिक करेंगे डबल क्लिक करेंगे तो इसकी कोडिंग वाली ओपन हो जाएगी विंडो वो भी प्राइवेट होगी प्राइवेट का मतलब है कि ये वाली जो कोडिंग होगी ये तीसरे बटन के लिए एक्सेसिबल है इस प्राइवेट का मतलब है कि ये दूसरे बटन के लिए एक्सेसिबल है इस प्राइवेट का मतलब है कि ये सिर्फ इसके प्राइवेट बंदे के लिए है तो प्राइवेट सब कमांड थ्री क्लिक तो सेम वही चीज फॉर्म वन डॉट बैक कलर इज इक्वल क्या करना है हमने अब बिलू करना है तो हम लिख देंगे वीबी बिलू ऐसे तो इधर कर देंगे एंड सब एंड सब का मतलब मेरा ये कोडिंग वाला पोर्शन खत्म हो गया यानी कि इस बटन के अंदर मैंने बस इतनी कोडिंग करनी है तो ये छोटा सा कंसेप्ट है कि जिस बटन के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे उसकी प्राइवेट विंडो ओपन होगी ये सारी इसकी है दूसरा बटन ये इसकी है ये तीसरा बटन ये इसकी है तो उम्मीद है अब आपको दो तीन कंसेप्ट और क्लियर हो चुके होंगे कि पहले ये भी नहीं था क्लियर कि इधर क्या चेंजिंग आएंगी ये कमांड वन कमांड टू कमांड थ्री मैं इधर लिख सकता हूँ अपनी मर्जी का नाम मैं लिख सकता हूँ बटन फॉर रेड बटन फॉर ग्रीन बटन फॉर ब्लू ये ऑटोमेटिकली वी नाम जनरेट करता रहता है जितने बटन लगाओगे आप उतने नाम जनरेटर होते जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ऐसे और दूसरी चीज़ प्राइवेट का मतलब क्या है क्योंकि हमने पहले एक ही बटन लगाया था तो प्राइवेट का कोई ज़्यादा वाजह नहीं हुआ था कि कौन दूसरा इधर आकर एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता तो इधर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रेड जो है इसका जो बटन है ये इसके प्राइवेट विंडो है तो उसका मतलब है ये ग्रीन वाले को इधर एक्सेस नहीं है ब्लू वाले को इधर एक्सेस नहीं है ये प्राइवेट चीज़ है ये प्राइवेट इस बंदे के लिए मखसूस है ग्रीन वाला इस ये चीज़ ग्रीन वाले के लिए मखसूस है प्राइवेट है बिल्लू वाले के लिए ये सारी बिलू वाली एक्सेसिबल है तो इसका मतलब प्राइवेट कोई कोई दूसरा ना आए इधर ऐसा ना हो कि हम बिल वाला क्लिक करें तो इधर घुस जाए नहीं तो ये वीडियो यहाँ तक की थी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़